कौन हो तुम लोग? बोल, मेरी बीवी को निशाना क्यों बनाया? चल बता, तू ऐसे नहीं बताएगा तुझे तो। बता कौन हो तुम लोग? पंद्रह साल पहले यरवड़ा में अलग अलग केसेस में मैं और भूमि बार बार सजा काट रहे थे। ऐसे में पांडे वकील हमारी बेल करवा दिया करते थे। कोई फर्क नहीं कि केस क्या था, आसपास के लोग पांडे सर के पास एडवाइस लेने आते थे। फिक्र की बात नहीं है, जब आपके पास मेरे जैसा वकील है, सच, न्याय और ईमानदारी जेल में ही पड़ी सड़ जाएगी। एक दिन वो वकील जेल में भूमि से मिलने आया। कब तक तुम दोनों इन छोटे मोटे क्राइम के चक्कर में पड़े रहोगे? तुम में से किसी की बड़े लेवल पर काम करने की इच्छा नहीं होती? इच्छा तो होती है, लेकिन समझ नहीं आता क्या करें। इस बार जेल से निकलने के बाद हम सीधे उसी वकील से मिलने गए। उस दिन उस वकील ने हमें बिल्कुल नया चैप्टर समझाया। रिसेंटली मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी है, अपने माँ बाप को छोड़कर जो बच्चे पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाते हैं, कुछ तो वापस आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वहीं पर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ की लाइफ स्टाइल से बहुत प्रभावित होते हैं, इसलिए वापस नहीं लौटते। कुछ लोग वहीं से लालच में आकर अपने बूढ़े माँ बाप का कत्ल करने का प्लान बनाते हैं। इतना ही नहीं, वो यहीं नहीं रुकते, उन्हें मारने से पहले वो उनके डिजिटल सिग्नेचर लेते हैं और उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम कर लेते हैं। भूमि, आजकल हर तरफ यही हो रहा है। पांडे सर ने भूमि के लिए एक जॉब का बंदोबस्त कर दिया, वो भी शहर के टॉप बिजनेसमैन सुभाष के। खुश रहा। आपने इसे सैलरी के बारे में नहीं, बता नहीं सर, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, आपने मुझे एक काम पर रख लिया, यही बड़ी बात है। 10 साल पहले सुभाष का बेटा सुरेश अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गया, फिर उसने एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली और वहीं सेटल। आज पूरे 10 साल हो गए तुम्हें यहाँ से विदेश गए हुए। अरे डैड, मैं अभी बिजनेस मीटिंग में हूँ, अभी रखो, बाद में फोन करता। बेटा मेरी बात तो सुनो। भूमि की सुभाष से अच्छी जान पहचान के बाद एक दिन उस वकील ने हमें अपने घर बुलाया। भूमि, तुझे ये इंजेक्शन उस बूढ़े की गर्दन में लगाना है। इसका फायदा ये होगा कि उसकी हत्या का किसी पर शक नहीं होगा। जब ब्लड में ये मेडिसिन मिलेगी तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से हार्ट अटैक से वो मर जाएगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे सर। ये लो जाओ। ने बोला था हर चीज आधी आधी बांटी जाएगी और आप सबके गलत रेट बता रहे हो। पूरा 50 एकड़ जगह है, 50 एकड़। बेटे, इस तरह गुस्से से बात मत करो। गुस्से में निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। मैंने तुम्हारे पिता की पावर ऑफ अटॉर्नी बना के रखी है, ये लो पढ़ लो। अरे जी सर, अंतिम संस्कार में नहीं आया लेकिन इसकी दौलत लेने आ गया, यही लिखा है तेरी किस्मत में। मस्ती की दुनिया अब तेरी है, ये सब अब मेरा होने वाला है। धन्यवाद। काफी नहीं है क्या? चल 1 लाख और ले ले। अरे वाह, 2 लाख! आप बहुत महान हैं सर, और होशियार तो हैं ही, आप कमाल हैं सर। ये तो चिकन है, मेरे मनपसंद अंडे कहाँ हैं? रुकिए सर, अभी लाकर देता हूँ। अंडे लेकर आ।
लीजिए सर आपके फेवरेट अंडे। इस तरह पीछे से लाकर क्यों दे रहा है? जल्दी कर, इसके पैर पकड़। ये कर क्या रहा है? पकड़ जल्दी, ऐसा मत कर। जब उसने देखा कि अब उसे वकील की जरूरत नहीं है तो भूमि ने अपना असली रंग दिखाया और बिना देर किए उसे रास्ते से हटा दिया। उस वकील के सुझाए हुए आइडिया को उसी के ऊपर इस्तेमाल करके भूमि ने सुभाष की दौलत लूट ली। भूमि ने वकील के फायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए सुभाष को मारा था। क्रिमिनल लॉयर था इसीलिए प्यार से नहीं क्राइम से ही इज्जत देनी पड़ी। अब हम क्या जवाब देंगे लोगों को? अरे बोल देंगे हार्ट अटैक से मर गया, ये ज्ञान इसी ने तो दिया था। चल अब गुरु के पैर पड़ के आशीर्वाद ले लें भाई। ए, एक मुर्दे से आशीर्वाद? क्या कह रहे, मुर्दा? ए, ये हमारा गुरु था, इसी ने हमें विदेश में बसे लड़कों के बूढ़े माँ बाप को हार्ट अटैक से मारने का तरीका सिखाया। महान आदमी था, आशीर्वाद ले। बस कर। एक कोई मारा तो इतना पैसा हाथ लगा है, सोच और कितने माँ बाप के बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं। दुनिया की सारी संपत्तियां भूमि के नाम होने वाली है। ओम शांति। जब एक पुलिस ऑफिसर अलविदा कहता है तो उसकी रिप्लेसमेंट में दूसरा आता है। नया पुलिस ऑफिसर जो हमारे लिए मुसीबत बनता उसे रिश्वत खिलाकर अपनी साइड कर लिया, जिसके बाद हमारा यह सिलसिला शुरू हो गया। बच्चों से दूर अकेले रहने वाले बूढ़े माँ बाप को भूमि अपना निशाना बनाता और उनकी सारी संपत्ति हासिल कर लेता था। उनके विदेश में सेटल बच्चों को उनके खास चिंता नहीं होती, यही भूमि का प्लस पॉइंट था। उनके फिंगरप्रिंट्स, डिजिटल सिग्नेचर और बैंक डिटेल्स लेकर नकली डॉक्यूमेंट्स बनवाता जिसमें लिखा रहता कि वो उससे कम दामों पर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। फिर वो वही डॉक्यूमेंट्स विदेश में सेटल उनके बच्चों को दिखाता और एक डील कर लेता। भूमि के स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का असर ये था कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वर्क 2 दिन के अंदर हो जाता था। इसी बीच मुंबई का एक क्लाइंट भूमि से संपर्क करता है जिसे अपने ज्वेलरी शोरूम के लिए प्राइम लोकेशन की जरूरत है। ये प्रोजेक्ट पूरे 100 करोड़ का था, इसलिए हमने तुम्हारे घर को अपना टारगेट बनाया। टारगेट पर नजर रखने के लिए लोकल एरिया के दलाल, सब्जी बेचने वाले, वॉचमैन, लॉन्ड्री और केबल कनेक्शन वालों को अपना मोहरा बनाते हैं। इसी तरीके से तुम और तुम्हारी माँ हमारे जाल में फंस गए। अच्छा हम चलते हैं। बोल बेटा। खाना खा लिया ना माँ? झूठ मत बोल, जब तू यहाँ था बिल्कुल हत्ता कट्टा था, लेकिन कल वीडियो कॉल में देखा कितना वजन घट गया है तेरा। अरे टेंशन मत लो माँ, 3 महीने में वहाँ आ जाऊंगा, फिर अपने हाथों से खिला के वजन बढ़ा देना मेरा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाऊंगा। सरप्राइज? किस तरह का सरप्राइज बेटा? देखो माँ, तुम थोड़ी देर टीवी देखो, मैं 10 मिनट में तुम्हें वीडियो कॉल करता हूँ। कैसा सरप्राइज है ये तो बता। Thank you.
बेटा ये दादी फोन क्यों नहीं उठा रही है? यानी मेरी माँ को तुम लोगों ने मारा है? उनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी? मेरी माँ को मारा तुमने! हटा सकते हैं रुद्रा, छोड़ मुझे! हट! रुद्रा, अगर ये मर गया तो अनन्या का पता कैसे चलेगा? रुद्रा, मत मारो इसे! उठ, उठ, उठ! मरवत, मैंने कहा था तुमसे, मेरी बात सुनते ही नहीं हो तुम।